माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। बटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, पुष्ट करना बन अनजाना। माटी माटी रू मारे लगी है, माटी दे दिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बटवारा धरती का, पुष्ट करना बन अनजान। बटवारा हम तो अपनी खाल की जुतियाँ बना के भी आपके आगे पेश करें ना, तू भी बहुत कम है। चंडीगढ़ वालों को तो भड़कड़ी लगनी चाहिए, अगर तू उनकी नजरों में पड़ गई, तेरी नौकरी तो जानी ही जानी है, और उन्होंने तेरी माँ को और मुझे भी घर से बाहर निकाल देना है। लंदन किससे भाग कर जा रही है? मैं किसी से नहीं भाग रही। तो फिर अब पीछे मुड़कर देखना पॉसिबल नहीं है। दादी करनैल वीर का भी काम कितना अच्छा जम गया। जमीने तो बेच दी ना उसने अपनी। तो अच्छा किया ना दादी, कम से कम पिंड से बाहर तो निकला ना, नहीं उसने यही मर खप जाना था हाल जोतते जोतते। ये लड़की रखी है ताई ने दादी के लिए? हाँ। कैसी है, मिली है तू? गूंगी सी है, कुछ बोलती ही नहीं है, बुलाऊं? नहीं नहीं अभी जाने दे, दादी को भी मुड़कर आना पड़ेगा। बाद में मिल लूंगी मैं दादी के पास जाकर, वैसे उन्हीं के पास रहती है ना? हाँ, ये ना शादीशुदा है, और जिसका घर वाला है ना उसको भी ताई ने यहीं पर रख लिया काम करने के लिए। ये ठीक हुआ, ताई के भी तोताराम और जानकी का नया वर्जन आ गया। वैसे मैं देख रही हूँ इसके आने से तेरे को बड़ा आराम हो गया, बड़ी लेट लेट उठती है तो आजकल। हाँ यार झूठ नहीं बोलूंगी, आराम तो सच्ची में बहुत हो गया है, पता है वरना सारा दिन दादी की फिक्र लगी रहती थी मुझे। ये अच्छा है, चला बेबे को खबर सुनाते हैं। हाँ। बेबे ये क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो आप ये? कुछ नहीं पुत्र, खाली हाथ बैठी थी, सोचा चलो कटाई कर लेती हूँ, इससे उंगलियां भी चलती रहती हैं और बुढ़ापे में जमती भी नहीं है। ए, मुझे ये बताओ ये जोड़ी कैसे आ गई मेरे कमरे में, कैसे कमरे में, रास्ता भूल गई तू? इससे पूछो बेबे, ये बताएगी। बड़ी खुश नजर आ रही है, जसवीर की मम्मी आई थी क्या, कोई खुशखबरी देके गई है तेरे को? क्या बेबे आपकी सुई भी ना एक जगह ही अटकी रहती है, कभी इधर उधर भी हो जाया करो जरा सा। फिर क्या बात होगी ये तो बताओ मुझे। बेबे इसका ना सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन किसमें हो गया, नौकरी मिल गई क्या? बस बेबे ऐसे समझ लो, नौकरी मिल गई मेरे को। छोड़ पुत्र, हमारे यहाँ लड़कियों को नौकरी नहीं करवाते पता। क्यों बेबे, और जो बिंदर कर रही है कनाडा में? ओ, वो तो पढ़ रही है ना। कोई पढ़ नहीं रही, स्कॉलरशिप पर रिसर्च कर रही है, और रिसर्च खत्म होने के बाद ना उसने वही लग जाना है काम पे। वो सब मुझे नहीं पता, कहाँ लगी है तेरी नौकरी? आपको बताया तो था, लंदन में एक प्रोजेक्ट है उसके लिए सिलेक्ट हुई हूँ, रहना खाना और थोड़े से पैसे भी देंगे, वो भी पाउंड में। ना ना हमें नहीं पाउंड चाहिए, हमारे लिए तो रुपये ही काफी है। देख पुत्र तेरी जिद थी कि तूने दिल्ली जाना, हमने भेज दिया, इसका मतलब ये थोड़ा कि तू यहाँ कहेंगी वहाँ भेज देंगे हम लोग। तेरा परिवार भी तो है ना, भाई बहन भी है, तेरे को अकेले नहीं जाने देंगे वो। बेबे आप तैयार हो जाओगी ना तो सबने तैयार हो जाना, वैसे भी आप मेरे से दुखी हो ना, बस एक बात मान जाओ ना, फिर कभी आपको दुखी नहीं करूंगी। देख पुत्र तेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, और इसके बाद जसवीर की माँ ने भी तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि बच्चा घर छोड़ के चला जाए। मैं तेरी दिल की बात समझती हूँ पुत्र, तो फिक्र ना कर, हम सब तेरे साथ हैं पुत्र। आप सब मेरे साथ हो इसलिए तो इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत कर पाई हूँ। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं इसका पता नहीं चलता, कल तक तो सिल्क का सूट सिलवाने की जिद कर रही थी, और आज जहाज पे चढ़ के
सास समुंदर पार जाने की बात कर रही है। बेबे हो आया मरीना खरड़, पता चला कुछ? हाँ चल गया पता, और अब तू ऐसा कर अपना बोरी बिस्तर बांध और पिंड चलने की तैयारी कर। हाय ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया पूछती है, पूछ ऐसा क्या नहीं हुआ। अब बोलेगा भी तो पहले बजाता जाएगा। तेरे को पता है तेरी कुड़ी और दामाद कहाँ पर है? कहाँ है? कोठी वालों को शरीकों के यहाँ। हाय वहाँ कैसे पहुँच गए? मैंने तो दलेर को वो टैक्सी वाले भाई के साथ भेजा था। मुझे क्या पता कैसे पहुंचे और क्या करने गए हैं वहाँ पर। वो वहाँ पर बर्तन मांज रही है कोठी वालों के, और दलेर ट्रैक्टर चला रहा है उनके खेतों में। हाय ट्रैक्टर चलाना आ गया उसे? ट्रैक्टर चलाना आ गया? क्या पागल दौड़ता है तू? अरे तू ये सोच अगर इनको पता चल गया तो कितना सियापा पड़ना यहाँ पर। हाय ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। तू मिला था उनसे? हाँ मिला था, तभी तो बता रहा हूँ तेरे को। क्या कहते थे दोनों? कहना क्या है, एक तो कुड़ी तेरी है ही पागल, ऊपर से उसका आदमी शेर को सवा शेर। तो तूने उन्हें समझा के आना था ना? समझा तो दिया मैंने उनको कि इनके सामने नहीं पड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। हाय ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो राज खुल ही जाना है ना। चलो जब तक चलता चलाओ, फिर सोचेंगे क्या करना है। तो तूने उन्हें नौकरी छोड़कर पिंड वापस जाने को कहना था ना? तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने कहना था और उन्हें मान जाना था। एक नंबर का उल्लू का पट्टा जमाई तेरा। मुझे कहता है एक ना एक दिन मैंने आपकी तरह गाड़ी चलाने लग जाना है। एक तो गरीब आदमी की ना बड़ी मुसीबत है, करे तो क्या करे। वैसे एक बात बोलूं तेरे को? हाँ बोल। अगर ये दोनों वहां काम करते रहे तो क्या बुरा है? तेरे को पता है दोनों बूढ़ा बूढ़ी जा रहे कनेडा, घर में रह गई एक बीमार बूढ़ी औरत, और मेरे को पता चला है वो चलने फिरने में भी लचा रही है। तो सोच घर में राज हो जाना इन दोनों का, जो मर्जी करे कोई देखने सुनने वाला नहीं। क्या रहता है बगल वाले घर में, उसने कितना देखना है। थोड़ा होशियारी से काम करेंगे ना तो फिर मौजा ही मौजा है। हाय तो तूने रत्तों को ठीक से समझा देना था ना कि बुड्ढी को हाथ में रखे ठीक से। वही तो, एक बार सो गई तो सो गई, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है, जो मर्जी करे। इनके रहने खाने का मंजा बिस्तर बढ़िया इंतजाम उन्होंने कर दिया है, और गैस का चूल्हा भी लगवा दिया है। हाय शुक्र है परमात्मा तेरा, मेरी कुड़ी के भी दिन फिर गए। बस थोड़ा होशियारी से भेद रखे, बल्ले ही बल्ले। इतने भंडार भरे हैं इनके कि महीने में 2-4 बोरे इधर से उधर चले जाए ना तो किसे पता चलना है समुद्र में से कितना पानी गया। दमाद से चोरी चकारी करवाएगा तू? चोरी? अरे पागल हो गई है तुम, इसे चोरी कहते हैं? इससे ज्यादा अनाज तो इनका खेतों में बिखर जाता है जिसे चूहे और गिलहरियां खा जाते हैं। अच्छा तो ये सब होगा कैसे? वो तू मेरे पे छोड़, उसने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया है, ये बड़ा अच्छा किया। तू एक बात का ध्यान रखना, किसी भी तरह से भेद ना खुले इनका। ये तो है, पर तू ना है बड़ा चलाक। तेरे से बड़ी पागल औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना बड़ा हादसा हो गया तेरी कुड़ी के साथ और तू लगी है बूढ़ी के पैर दबाने। तेरी जगह कोई और औरत होती ना तो कब का इसका गला दबा के सारे गहने कपड़े लेकर पैसे लेकर भाग गई होती और ऐश करते बॉम्बे दिल्ली में जा। अच्छा बॉम्बे दिल्ली का तो मुझे पता नहीं, पर बुढ़ापे में ना तू मेरे से जेल की रोटियां जरूर तड़वाएगा, ये तो पक्का है। अच्छा अब छोड़, मेरी सरदर्द हो गई है, जा चाय बना जाके। एक गरीब भाई बहन ना पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं पेट पालने के लिए दोनों। तू फीस दे दे उनको, मेरे से पैसे ले लेना, पर ये बता वो हैं कौन लोग? आपके खेतों में मजदूरी करते हैं। हमारे मजदूर? अजीत वो कौन है?
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हेलो। हाँ कमल। हाँ जसबीर, मैं ही हूँ। अरे क्या बात है, सुबह सुबह मेहरबानी। बस ऐसे ही सोचा, तू कहता रहता है, एक कॉल मैं भी कर लेती हूँ। एक खबर देनी थी तेरे को। क्या बात हो गई? कल मम्मी आई थी तुम्हारे यहाँ। मम्मी ने तो नहीं कुछ कहा? तू नहीं आया, तेरे को भी आना चाहिए था। पक्का मम्मी ने कुछ कहा है ना? नहीं, एक सरप्राइज था मेरे पास तेरे लिए। क्या? मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया यूनाइटेड नेशंस वाले प्रोजेक्ट में। आर यू सीरियस? कसम से, कल शाम को मेल आया, उसी वक्त जब तेरी मम्मी मेरे कमरे में एंटर कर रही थी। सच में जसबीर, तेरी मम्मी बहुत लकी है मेरे लिए। क्या हुआ, सुन रहा है ना तू? हाँ सुन रहा हूँ। तेरे को खुशी नहीं हुई? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं मेरे को भी लग नहीं रहा था तेरा होगा, क्योंकि पूरे भारत से बच्चे आए थे ना। बट यू हैव रियली डन वेल। मेरे को आप यकीन नहीं था, पता है मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ? वहाँ पे बहुत बच्चे आए हुए थे, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे से, सब बहुत इंटेलिजेंट थे, पर उन्होंने सिलेक्शन सिर्फ मेरा और एक असम की लड़की का किया। उसके डैडी भी किसान है। उन्हें इंटेलिजेंट के साथ साथ रफ टफ बंदे चाहिए थे, जो रफ वेदर कंडीशन में भी रह सके। चल अच्छा है, तेरे मन का एक काम तो हुआ। पर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, तेरे को खुशी नहीं हुई? पता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सब तू मन से नहीं कर रही, अपनी जिद से कर रही है। कमल, एक बार फिर सोच ले। नहीं जसबीर, मेरे को यहाँ तक आने के बाद मुड़ने को मत बोल। अच्छा चल एक बात बता, जाने से पहले मुझे मिलेगी ना कि सीधी उठ जाएगी? आ जाना, इस बार पार्टी मैं देती हूँ तुझे। ठीक है। अरे ये तूने क्यों मुंह लटका रखा है, ये तो खुशी की बात है। मेरे जी आप कहते हो खुशी की बात है, मेरे को चिंता हो जा रही है, अकेली लड़की कैसे वहां तक जाएगी, सात समुद्र पार, कहां पे रहेगी, क्या खाएगी, ये सोच के मेरे को घबराहट हो रही है। देख नसीब, अब ये हमारा तुम्हारा जमाना तो नहीं है, आजकल के बच्चे ज्यादा समझदार हैं, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना वो हमसे बेहतर जानते हैं। और रही बात उसको बुलाने की, अरे जो उसे बुला रहा है उसके खाने पीने रहने का इंतजाम भी तो करेगा। और फिर ये यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट है, कितने बच्चों को ये मौका मिलता है, अरे तुम्हें तो फखर होना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा वीर जी, क्या करूं क्या ना, हालात इतनी तेजी से बदल रहे ना, मेरी समझ के बाहर की बात है। देख नसीब, सोच, बुरा वक्त निकल गया, बिंदर के बच्चा होने वाला है, कर्नैल का अपना काम जम गया है, जर्नैल जेल से रिहा हो गया है, हैं? कमल को इतना अच्छा काम मिल गया है, रही बात हरजीत की, हरजीत भी सुधर गया है, और तू अब बता कि तेरे को वाहिगुरु से और क्या चाहिए? ओए सिखा दिया तूने इसे? जी मालिक। देख तो मिट्टी मिट्टी हुआ है, साफ कर इसको। जी सरदार जी, अभी साफ कर देता हूँ, मैं तो इसको टनाटन चमका देता हूँ। लो अरे अरजीत भी आ गया। ओए आजा बेटा आजा। क्या हाल है ले? आज कैसे रास्ता भूल गया इधर का? आपसे ना एक जरूरी बात करनी थी मैंने। हाँ, हाँ, बोल पुत्र। आप अभी नाना बनने वाले हो, खुशी नहीं आपको? ओए खुशी क्यों नहीं है, तू भी तो मामा बनने वाला है। पर मैं आपकी जगह होता ना तो थैलियां खोल देता नोटों की। ये क्या बात कर दी तूने? अरे मुझे बिंदर ने मना किया है,
नहीं तो मैंने तगड़ा जश्न मनाना था। जश्न ना सही, कोई पुण्य कर लेते। ठीक है पुत्र, कल गुरुद्वारे में लंगर का सामान भेज दूंगा और गरीबों में कंबल बंटवा दूंगा। और वो ताया जी, एक गरीब भाई बहन ना पढ़ना चाहते हैं, पर पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। मजदूरी कर रहे हैं पेट पालने के लिए दोनों। वाहिगुरु वाहिगुरु, तू फीस दे दे उनको, मेरे से पैसे ले लेना। पर ये बता, वो हैं कौन लोग? आपके खेतों में मजदूरी करते हैं। हमारे मजदूर? अजीत, वो कौन है? ये पवन और इसकी बहन। पवन? ये पवन? ताया जी, ये अपने कॉलेज का टॉपर है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पर पैसे नहीं है इसके पास। पवन, इधर आ। ये हरजीत क्या कह रहा है? तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। भाई मैंने सुना है तूने कॉलेज में बड़े अच्छे नंबर लिए। जी। अब कितनी फीस लगती है तेरी सिविल सर्विस एग्जाम की कोचिंग की? जी। अरे जी के बच्चे, वीर जी ये पूछ रहे हैं कि फीस कितनी है, कितने पैसे लगने हैं। हम पता किए थे, करीब करीब लाख रुपए लगते हैं और रहना खाना वो अलग से। चंडीगढ़ में होती है कोचिंग? जी। चल ठीक है, जाके दाखिला ले ले और फीस ले जा मेरे से। गरीब लोगों को ऊंचा सपना नहीं देखना चाहिए। अरे माँ, इंसान है, सपना तो देखेंगे ना, और अगर सपना देखे है ना तो उनका पूरा करने का कोशिश भी करेंगे। वो कहा है ना माँ, अगर बिना हाथ पैर मारे मैदान छोड़ दिए ना तो हमारे में और गली गांव के जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जो सिर्फ पेट भरने के लिए ही संघर्ष करता है और जब पेट भर जाए तो कहीं भी पसर के सो जाता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दस हजार में तो हो ही जाएगा ना तेरा खाना पीना रहना सब। पर जी, ये सब आप हमारे लिए काहे कर रहे हैं? कोई ज्यादा सोचा नहीं करते, वो बैंक से लोन मिलता है ना, क्या कहते हैं उसे अरजीत? एजुकेशन लोन ताया जी। हाँ, वही सोच करके ले ले, कमाने लग जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके लौटा देना। ओ बस कर पुत्र, आंखों से इतना पानी बहाएगा तो उधर दलेर ने ट्रैक्टर के इंजन में पानी भर देना। अच्छा एक बात सुन मेरी। जी। अपनी बहन का दाखिला भी चंडीगढ़ करवा दे। पैसे वगैरह की जो भी जरूरत होगी ना अरजीत को बता देना, हम दे देंगे। जी। ताया जी, आप कंजूस बहुत हो। इतना पैसा आपके पास, खाने वाला कोई है नहीं, और फिर भी एक गरीब आदमी को उधार दे रहे हो। खुददार आदमी ना दान लेता है ना भीख, और किसी भले आदमी को ना भीख और ना दान देकर के उसकी खुददारी को परखना चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं? चंडीगढ़ क्या करने जाएगा? कितनी बार बोले हैं कोचिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं और मनीषा का भी दिलाएंगे एडमिशन, उसका ग्रेजुएशन पूरा करने खातिर। और पैसा कौन तेरा बाप बरसाएगा ऊपर से बैठ के? अरे कितनी बार बताएं तुम्हें, मालिक लोग मदद कर रहे हैं ना। अरे रह दियो, कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क तो होवत। एक बार तेरे को दिए दियो पैसा, वो तू ही तो बोले 2 साल लगे। हाँ तो वो कह रहे हैं ना रैन खान का बंदोबस्त कर देंगे। अरे वो क्यों करेंगे, उनका माथा फर गया है क्या? आप जानत तो हो वो कितने अच्छे लोग हैं, अगर 2 बच्चों को पढ़ा भी देंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। देखो हमको किसी की दान और किसी की भीख की जरूरत नहीं है,
हमको भीख ही मांगना होता तो जमालपुर का बुरा था वो हनुमान मंदिर। तुम दोनों को लेके बैठ जाती जमालपुर के मंदिर में भीख मांगने के लिए तो पेट तो भर ही जाता हमारा। बाप मर गया अंधेरे में और बेटे का नाम लालटेन। देख माई, ना हम किसी से दान लिए ना ही भीख उधार लिए, जब कमान खातिर हो जाएंगे ना तो चुका देंगे। देखो बेटा, गरीब लोगों को ऊंचा सपना नहीं देखना चाहिए, वो क्या है ना आँख खुलने पर तकलीफ होती है। अरे माँ, इंसान है सपना तो देखेंगे ना, और अगर सपना देखे है ना तो उसका पूरा करने का कोशिश भी करेंगे। वो कहा है ना माँ, अगर बिना हाथ पैर मारे मैदान छोड़ दिए ना तो हमारे में और गली गाँव के जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जो सिर्फ पेट भरने के लिए ही संघर्ष करता है और जब पेट भर जाए तो कहीं भी पसर के सो जाता है, और जब नींद खुलती है ना तो वही संघर्ष चालू। तू क्या कलेक्टर बनी वो? ये मूंझोसी क्या बनेगी, प्रोफेसर? हाँ बन जाएंगे माई, तुम्हारा आशीर्वाद रहेगा ना तो बन जाएंगे, ई भी और मैं भी। तो ठीक है ना, जिसके जी में आए वो करो, मेरी तो किसी ने सुननी नहीं, मैंने तो यहाँ चूल्हे पे अपनी आंखें फोड़नी है। हमें मालूम था माई तो हमें इंकार नहीं करेगी। चल छोड़ मुझे। मेरे को ना बड़ी घबराहट हो रही है, मेरा तो दिल ही डूब रहा है। मैंने बता दिया आपको, मेरे को ना हार्ट अटैक हो जाना है। ओ मेरे रब्बा, ऐसे में आज तक किसी को हार्ट अटैक हुआ? बता जो तेरे को होगा। मैंने बता दिया आपको, मैंने नहीं जाना कनाडा, इतनी लंबी फ्लाइट है, आपने बिठा भी दिया जहाज ना तो मैंने पहुंचना ही नहीं है कनाडा। अभी पूरे 15 दिन पड़े हैं जाने को और अभी से तुम्हारे ड्रामे शुरू हो गए। जब भी जहाज में जाना होता है ना और तुम चिल्लाना शुरू कर देती हो, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। अभी तक हुआ हार्ट अटैक? आगे आते जाते थे ना तो घंटे 2 घंटे की फ्लाइट होती थी, ये 14 घंटे की फ्लाइट में गए हैं कभी? आपको याद नहीं है जब गुवाहाटी गए थे, कितना बुरा हाल हो गया था मेरा, मरते मरते बची थी मैं। कोई मरते मरते नहीं बची थी, एयरपोर्ट उतरते ही ब्रेड पकौड़े खाने लग गई थी रास्ते में गाड़ी रुकवा रुकवा कर। सुबह कितनी जल्दी निकले थे, कुछ खा के गए थे ना? घूमने भी कहाँ गए थे? शिलोंग, वो हिंदुस्तान का आखिरी कोना, ना और कोई जगह नहीं मिली थी आपको मेरे को घुमाने ले जाने के लिए? मैंने नहीं जाना तो क्या करूं, टिकटें वापस करवा दूं, बोल दूं निहाल को? आगे करवा दो ना 1-2 महीने के लिए। उससे क्या होगा, 1 महीने के बाद फिर तुम्हारा वही ड्रामा शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ना पहले ही ब्लड प्रेशर की गोलियां खानी शुरू कर दूंगी। देखो अब कुछ नहीं हो सकता, जिस दिन की टिकटें हैं उस दिन जाना ही होगा। ये तो अजीब मुसीबत है, जाना भी जरूरी है, कोई और तरीका नहीं है जाने का? हाँ एक तरीका है, पानी के जहाज से चलते हैं, 2-3 महीने में पहुंच जाएंगे, तब तक बिंदर के बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हारा सफर भी पूरा नहीं होगा। कोई टैक्सी ट्रेन नहीं जाती वहां? शायद जाती हो। तू ऐसा कर, लखविंदर को फोन करके बोल कि भी कोई टैक्सी भेज दे जो कनाडा तक जाती हो, तब तक मैं बेबे के पास जाता हूं। ये कैसी मेरी जान मुसीबत में आ गई है, मेरे से तो कार की अगली सीट पे नहीं बैठा जाता, अब ये तो जहाज में बैठना है वो भी 14 घंटे के लिए, जाना भी जरूरी है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। ताया जा रहे हैं कनाडा, अगर वो एक बार भी कनाडा चले गए ना तो पलट कर वापस नहीं आना है फिर कभी, कौन जोतेगा उनकी इतनी जमीन है। अगर आप भी अलग हो गए तो बाऊजी ने अकेले हो जाना है। देख लूंगा जमीन उनकी, अगर ताई की जमीन भी देखनी होगी वो भी देख लूंगा। मैं तुझको सारी जमीनें बेचने को कब कह रहा हूँ, एक टुकड़ा बचा के रखना, जैसे ही मेहरा ने वहां पर अपना प्रोजेक्ट लगाया बस हम दोनों भाई मिलकर उसी जमीन के टुकड़े पर अपनी बिल्डिंगों का काम शुरू कर देंगे। माटी माटी